अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान स्किन सॉल्यूशंस। होपफुली आप लोग सर्दियां भी इंजॉय कर रहे हैं और खैर खैरियत से हैं और अपने लिए भी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं और बाकी सब के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो अनइवन स्किन टोन है वो बहुत ज़्यादा और बहुत कॉमन होती जा रही है। अनइवन टोन का मतलब ये है कि एक ही स्किन पे, एक ही चेहरे पे आपको जैसे गर्दन का रंग फ़र्क नज़र आ रहा हो, फिर आपको ये वाला जो आपका एरिया है अराउंड द माउथ वो आपको डिफरेंट तरह का कलर नज़र आ रहा हो, डार्क सर्कल्स अलहदा बने हुए हैं, यहाँ साइड्स के ऊपर या माथे पे आपको पिगमेंटेशन नज़र आ रही है या नेक का कलर बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब अनइवन टोन जो है जिसमें आपकी जो है वो हैपहैज़र्ड पिगमेंटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। हम आ जाते हैं कि कॉमन क्यों होती जा रही है इवन मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। एक बहुत बड़ा फैक्टर तो सन ब्लॉक या सन प्रोटेक्शन को ना इस्तेमाल करना है। हम बहुत ज़्यादा कहते हैं, सब हम टीवी के ऊपर और इधर उधर आपको बता रहे होते हैं कि सन प्रोटेक्शन ज़रूर इस्तेमाल करें, वो आपकी स्किन को बूढ़ा नहीं होने देगी और आपकी स्किन का जो कलर है उसको इवन भी रखेगी और अच्छी टोन में भी रखेगी। बिलीव मी, आप रात को जो मर्ज़ी लगा के सो जाएं, लेकिन अगर आप सारा दिन जो है वो अपनी स्किन के ऊपर इंसल्ट होने देते हैं, सन एक्सपोजर की जो इंसल्ट है, सन की जो इंसल्ट है, सन रेज से जितना नुकसान हो सकता है वो होने देते हैं, तो आप अच्छे नहीं रह सकते। प्लस आप क्यों जल्दी बूढ़े होना चाहते हैं बाहर की तरफ से? देखिए, इंटरनली तो हम आपकी एज को नहीं रोक सकते ना, इंट्रिंसिक एज तो बढ़ी रही है, लेकिन एक्सट्रिंसिक एज जो है उसको हम रोक सकते हैं, उसको फॉर सम हाउ हम डिले कर सकते हैं और आपकी स्किन को बहुत बेहतर रख सकते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस जो है वो यही है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि आप सन प्रोटेक्शन को अपनी आदत बनाएं, उसको नहीं छोड़ना आपने, डोंट स्किप इट। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह का आपका काम है और जिस तरह का आपका एक्सपोजर है उसके हिसाब से आपका सनब्लॉक का SPF होना चाहिए, UVA UVB दोनों उसके अंदर कवर होना चाहिए या आपको सिर्फ खाली UVB का कवर चाहिए। और प्लस उसके अलावा आपने उसको दोबारा रीअप्लाई भी करना होता है, आपने उसे दोबारा भी लगाना होता है, सिर्फ खाली एक दफ़ा सुबह नहीं लगाते बल्कि आपने उसको दोबारा भी लगाना होता है। लेट्स सपोज कि उसका SPF ऐसा है कि आपको 4 घंटे के बाद लगाने की ज़रूरत है, तो आप 4 घंटे के बाद दोबारा उसको रिपीट करेंगे ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। उसी तरह से अगर 5 घंटे के बाद उसकी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है तो आप 5 घंटे के बाद उसको दोबारा ज़रूर लगाएंगे ताकि वो अपना काम करता रहे, वरना वो इतने घंटों या इतने घंटों से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अब हम आ जाते हैं कि हमारा जो टॉपिक है एक्चुअल, कि इस किस्म की अनइवन टोन और जो डल आपकी जो स्किन है या आपकी एक ही स्किन के ऊपर, एक ही फेस के ऊपर आपको डिफरेंट तरह के शेड्स और कलर्स नज़र आ रहे हैं, उसके लिए हमने क्या करना है। जो वाइटनिंग पील है वो बहुत अच्छी होती है फॉर द फेयरनेस, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा कलर जो है, हमारी स्किन का टोन जो है वो बहुत अच्छा और फेयर टोन हो। उसके लिए जो वाइटनिंग पील है वो बहुत अच्छी होती है। ये क्या करती है, ये आपकी स्किन के डीपर लेयर्स में जाके, इसने स्किन को उतारना नहीं है, इट डजेंट पील ऑफ योर स्किन एट ऑल, क्योंकि ये पील ऑफ करने के लिए है ही नहीं है, बट ये डीप लेयर में जाएगी और डीप लेयर में जाके आपके पिगमेंट को करेक्ट करेगी, ठीक है। इसलिए इसको पील बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्किन को उतारेगी और वो आपके गंदे वाले डेज होंगे और उसके बाद आपकी स्किन जो है वो ठीक होगी। थोड़ी सी ड्राई ज़रूर आपको फील हो सकती है वाइटनिंग पील के बाद स्किन फॉर अबाउट 2 to 3 days, लेकिन जो हमने आपको लगाने के लिए सूदिंग क्रीम या कोई भी चीज़ दी हुई होती है पोस्ट प्रोसीजर, ये उसी से ठीक हो जाती है। उसके अलावा आपको फर्दर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर तो आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा करेक्शन की या ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो फिर हम इसके सेशंस देते हैं। इसके सेशंस वीकली भी दिए जा सकते हैं, 10 दिन के वक्फे से भी दिए जा सकते हैं और 15 दिन के वक्फे से भी दिए जाते हैं, बट वो डिपेंड करता है, हर स्किन इंडिविजुअल होती है। हम उसको चेक किए बगैर इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं बता सकते कि आपने कितनी दफ़ा रिपीट कराना है और कितने गैप से रिपीट करवाना है, ठीक हो गया। कोई भी इसको करवा सकता है, मेल, फीमेल, यंग एज में, ओल्ड एज में, कोई भी इसको करवा सकता है। अगर स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम है या जो इशू है वो अनइवन टोन का है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेलास्मा, मैं छाइयों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फ्रैकल्स की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अनइवन टोन, कि एक ही स्किन का टोन जो है वो मुख्तलिफ रंगों का हुआ है। उसको सही करने के लिए जो वाइटनिंग पील है वो बहुत अच्छी चीज़ है। वाइटनिंग पील आप अपने किसी फंक्शन, किसी सेरेमनी या किसी ओकेजन रिविजन से पहले भी ले सकते हैं, बिकॉज यूजुअली ये आपका कोई डाउन टाइम नहीं होता, इसमें स्किन जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहती है और एकदम से उसके ऊपर जो है वो आपको करेक्शन नज़र आएगी, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नज़र आएगा कि हाँ अगर मेरी स्किन जो है वो 10 out of 10 जो है वो 9% ख़राब थी तो आपको विद इन 1 सेशन लगेगा कि ये 50% इम्प्रूव कर गई है, राइट? अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा एसेट है, ये आपकी नेमत, एक नेमत है जो अल्लाह मियाँ ने आपको दी हुई है। इसको आप प्रोटेक्टेड रखें और इसका ख्याल रखें ताकि ये आपके साथ इसी तरह से चलती रहे।